सोयाबीन की फसल पर दानों का साइज कैसे बढ़ाएं? दाना छोटा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तत्वों की कमी, जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्वों की डिफिशेंसी के कारण भी दानों की फलियों में कम दाने रह पाते हैं। कम ज़्यादा बरसात का होना, यह भी रेयर और मेन कारण है। जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है वहाँ भी समस्या, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा यदि बरसात हो रही है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि पौधे पर एक एक दो दो फली लग पाती हैं। पोटाश और सल्फर की कमी के कारण भी यह समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। कम स्पेसिंग, कभी कभी किसान क्या करते हैं कि एक एकड़ में 50 किलो, 60 किलो, 65 किलो तक एकड़ में बुआई कर देते हैं। 18 से 20 इंच, 22 इंच में बुआई करिए, अच्छा फ़ायदा आपको होगा। कम स्पेसिंग करने में वायु संचारण अच्छा नहीं हो पाता है। यदि हवा यदि पौधे की जो तना होते वहाँ तक यदि प्रवेश नहीं कर पाती है तो फिर जो फलियाँ हैं उनमें दाना का भराव बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाएगा। पीलापन और कमज़ोर बढ़वार भी यही एक समस्या है। और एक चीज़ और, वैरायटी, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो लगातार पुरानी हो गई हैं और किसान उनकी बुआई करना धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, उन पर रोग बीमारी का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि आप भी वही पुरानी रोग बीमारी वाली वैरायटियों को लगाते हैं तो उत्पादन के साथ साथ दानों में भराव, और हो सकता है दो दो दाने या फिर दो दाने आ रहे हैं, एक छोटा आया एक बड़ा आया, दो दाने बड़े आए एक छोटा आया, ये भी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आइए समझते हैं, पोटाश की पूर्ति आप ज़रूर करें। एनपीके में जो पोटाश होती है, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स, 0050 या फिर 13045, यदि आपकी फसल हरी भरी है तो आप 0050 का स्प्रे करिए। थोड़ा सा पीलापन है और दाना को भराव अच्छा हो तो 13045 का स्प्रे करें, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो ये तो बात हो गई कि आपको पोटाश स्प्रे करना है घुलनशील खाद के रूप में और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे जरूर कर दीजिए। जब फलियों में दाना भरने की स्टेज आती है उस समय एक PGR का स्प्रे करें, लेहोशिन, चमत्कार, टाबुली, या फिर जो एक और आती है ना, होमोब्रिसिनोलाइट, गोदरेज की डबल, इनमें से कोई एक का स्प्रे आप कर दीजिए। इसके अलावा 6VA यानी 6-बेंजीन एडेनाइट आती है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, इसका डोज बहुत कम होता है तो हिसाब से स्प्रे करना पड़ता है। ह्यूमिक एसिड यदि आप प्रयोग करते हैं ना, ड्रिप से या फिर सॉइल एप्लीकेशन से स्प्रे 500 ग्राम प्रति एकड़, इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। यह रेशेदार और बाइट जड़ों का विकास अच्छा करती है। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हम टमाटर की खेती कर रहे हैं, खीरा की खेती कर रहे हैं या फिर मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो देखते हैं कि पीलापन की शिकायत आ गई। एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि जो फली है या फिर जो भी फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी प्रभावित होने लगती है। आपने देखा होगा कि यदि पौधे को आप उखाड़ कर देखेंगे दोस्तों, तो जो जड़ें हैं ना, रेशेदार वाइट जड़ें, वह मतलब उनका विकास बंद हो जाता है। तो यही कंडीशन, यही कहानी बनती सोयाबीन की फसल में भी। कहीं कहीं पर तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि नहीं हो पा रहा उतनी अच्छी से जितनी ज़रूरत है, तो ह्यूमिक एसिड प्रयोग आप ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करने से भी फायदा अच्छा होगा, 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो इस प्रकार आप इन दवाइयों का स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि कॉम्बिनेशन हम कैसे तैयार करें, तो उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। सुमिटोमो की टाबुली 40 ml या फिर लिहोसिन 150 ml, इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट को आपको स्प्रे करना है। और इसके साथ NPK 0050 1 किलोग्राम, बोरॉन 200 ग्राम और चिलेटेड फेरस 150 ग्राम, इन तीन चारों को यदि दोस्तों आपने 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दिया, तो समझ लीजिए फलियों का जो भराव है ना वो अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फलियों में दानों का भराव पूरी तरह हो गया अब हम स्प्रे करने चले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मान लीजिए 30%, 40%, 45% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक फलियों का विकास हुआ है, तब तक यदि आपने स्प्रे कर दिया तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल गए, और बाकी फिर आप लेट हो गए तो फिर स्प्रे मत कीजिए, स्प्रे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए सही समय पर सही कॉम्बिनेशन स्प्रे करना, देखो खर्च भी आप कर रहे हो और फिर पता चला जब दानों का भराव हो गया फिर आप स्प्रे कर रहे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार कॉम्बिनेशन बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर जब फली स्टेज पर होती है तो इस समय पोटाश सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पोटाश की।
और इस समय यदि आप एनपीके 13045 से 0050 है और इसके साथ बोरॉन, और आपको पता है कि पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है यह चाल बढ़वार ग्रोथ को यह लॉक कर देता है, और यह एक प्रकार से जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इसको लॉक करके जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है इसको इंक्रीज करता है, यानी फलियों को बढ़ाने में, फूल की संख्या बढ़ाने में, दानों का भराव अच्छा करने में काफ़ी हेल्प और मदद करता है। दोस्तों सोयाबीन की फसल का जो पत्ता है ना, जितना ज़्यादा हरा भरा रहेगा, ग्रीननेस रहेगी, हरियाली रहेगी, उतना ज़्यादा जो लीफ है ना वो ग्लूकोज तैयार कर पाएगा। ग्लूकोज से प्रोटीन और प्रोटीन से तेल की मात्रा बढ़ाने में, और फलियों की जो चमक है ना, दानों की चमक, दानों में तेल की मात्रा बढ़ाने में, यानी कुल मिलाकर के यदि आपके पत्तों पर, आपकी फसल पर बहुत अच्छी ताकत है, सेहतमंद है, स्वस्थ है, हरी भरी है, तो समझ लीजिए जो फली लगने वाली हैं दोस्तों वह भी काफ़ी अच्छी लगेंगी। और यदि चाल बढ़वार ज़्यादा हो रही है तो हमारी यह वीडियो आप ज़रूर वॉच कर लेना, या फिर चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी उपलब्ध है। यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।